स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो पीरियड्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, तो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स को। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से हमने पीरियड को डिस्कस कर लिया था, और अब है ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स क्या होते हैं? अ वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज ग्रुप। ठीक है, जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होंगे ऐसे, ठीक है, हमने एलिमेंट्स को क्या हो गया होगा? ग्रुपिंग की होगी। ठीक है, उनकी हमने एलिमेंट्स की क्या की होगी? ग्रुपिंग की होगी, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, जो ऐसे हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? पीरियड्स बोलते हैं। लाइक लेफ्ट टू राइट पीरियड्स, टॉप टू बॉटम क्या होते हैं हमारे पास? ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 18 ग्रुप्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हमारे पास कितने ग्रुप्स होते हैं? टोटल 18 ग्रुप्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले आ जाते हैं एस एंड पी और वाइटल्स, जो मतलब कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, एस एंड पी ऑर्बिटल्स किस ग्रुप्स में आते हैं? ठीक है, द फर्स्ट टू ग्रुप्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी, इधर की साइड होगी, एंड लास्ट सिक्स ग्रुप्स ऑन द एक्सट्रीम राइट, जो इधर की साइड होगी। ठीक है, जो लेफ्ट और राइट होगी जे वाले। ठीक है, इसमें से जे वाले और जो फर्स्ट टू होते हैं जे वाले, ठीक है, जे कंस्टिट्यूट क्या करते हैं हमारे पास? फिलिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स। इसमें क्या होती है? एस एंड पी ऑर्बिटल्स की क्या होती है? फिलिंग होती है। ठीक है, जहाँ पे भी एस एंड पी ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। असल में क्या होते हैं जे वाले? जे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, किनको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स को। जे वाले किसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, राइट? तो जे वाले ग्रुपिंग है फर्स्ट टू ग्रुप्स, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एंड लास्ट सिक्स। जे वाले कितने हैं? सिक्स है, सिक्स इन नंबर। ठीक है, इनमें क्या किसकी फिलिंग होती है? एस एंड पी और बाइटल्स की। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, दीज ग्रुप्स रिप्रेजेंट द मेन ग्रुप। तो जे वाले जो एलिमेंट होते हैं मेन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, सो दीज आर नंबर्ड एज 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 and 18। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ठीक है, लास्ट सिक्स हो गए जे वाले, कितने हो गए? लास्ट सिक्स ग्रुप्स हो गए जे वाले। एंड फर्स्ट कितने हो गए? फर्स्ट कितने हो गए? टू हो गए। ठीक है, तो इसमें जे वाले ग्रुप्स हमारे पास, ऐसे हम इसकी नंबरिंग करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द जर्नल कॉन्फिग्रेशन। जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है वो कितना होता है? NS1। ठीक है, S ब्लॉक में NS2 होता है। देन P की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, P की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, P और वाइटल की फिलिंग क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास जे P ब्लॉक एलिमेंट्स में NS2 NP1 NS2 NP2 NP3 NP4 NP5 एंड NP6 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे पास दो क्या हो गए? एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड वाले भी हो गए। ठीक है, ग्रुप्स क्या हो गए? एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड वाले भी कंप्लीट हो गए एंड एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाले भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो बच गए कितने? इन बिटवीन। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो कितने होते हैं जो नंबर में? 10 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लाई इन बिटवीन फर्स्ट टू, किसके बीच में होते हैं? पहले दो के बीच में एंड लास्ट सिक्स के बीच में। ठीक है ना, एंड लास्ट सिक्स ग्रुप्स के बीच में होते हैं 2 and 13 के। ठीक है ना, अब 2 and 13 नंबरिंग हमने ग्रुप्स को दी है। ठीक है, तो इसके बीच में कितने होते हैं? 10 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर यूजली लेबल्ड एज बी ग्रुप्स। ठीक है, जो हमारे पास प्रीवियस हमारे पास कन्वेंशन थी, ठीक है, ओल्ड कन्वेंशन थी, जो पीरियोडिक टेबल की ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें ये किसके अंडर आते हैं? बी ग्रुप्स के अंडर आते हैं। ठीक है, मैंने आपको जर्नल जहाँ पे रिप्रेजेंट करके बता दिया, तो जे वाले हमारे पास हो गए रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो इन्हें हम नॉर्मल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जे भी रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, जे क्या है? क्या है? एस वाले हैं, एस ब्लॉक वाले हैं। तो जे क्या है? पी ब्लॉक वाले हैं। तो इनके इन बिटवीन क्या है? डी ब्लॉक वाले हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है,
क्लियर है ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सो इसमें वी ग्रुप्स में के अंडर आता है, ठीक है, जहाँ पे सेकंड भी है और जहाँ पे क्या है थर्ड भी है, इनके इन बिटवीन जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। सो एट द बॉटम एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम दी लेंथ थ्योरम, ठीक है, जो इसके बॉटम में हमारे पास टू रोज होती है ऐसे, जी हमारे पास जर्नल फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, मैंने वैसे जर्नली आपको समझाने के लिए ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो को जाके देख लिया, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एट द बॉटम एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम लेंथेनम, ठीक है, लेंथेनम से स्टार्ट होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट्स। जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है किसके है, एक्टिनियम से, ठीक है। तो जो एक्टिनियम होता है उसका क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइट्स, ठीक है। क्लियर है जहाँ तक कंसेप्ट, पीरियड भी होगी, ग्रुप्स भी होगी, ठीक है, जहाँ तक तो हमने कर लिया कंप्लीट। तो नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, 100 से ज़्यादा है, उन एलिमेंट्स को हम स्पेशली क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ठीक है। द एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम, यूरेनियम तक तो ठीक है डिस्कवरी नॉर्मली चलती रही, ठीक है, नॉर्मली चलती रही डिस्कवरी, लेकिन जो हमारे पास फर्मी, ठीक है, साइंटिस्ट था एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी एंड उसके जो कोवर्कर थे, ठीक है जी, एक तरह की कहानियाँ सुनते रहना, जो उसके फर्मी, एनरिको फर्मी एंड कोवर्कर्स थे, ठीक है, उन्होंने ये क्या डिस्कवरी स्टार्ट की किसकी, एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100, ठीक है। तो उन्होंने क्या भी एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम फॉर्म्ड बाय कैसे बनते हैं, इरेडिएटिंग द यूरेनियम, तो यूरेनियम की इरेडिएशन की विद स्लो न्यूट्रॉन्स एंड फाउंड सेवरल रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट, ठीक है, यूरेनियम को इरेडिएट करके सेवरल रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट मिले, ठीक है। दीज न्यू एलिमेंट्स को हमने क्या बोला, ट्रांस यूरेनियम, ठीक है, जो यूरेनियम के बियॉन्ड होगी, ट्रांसवर्ड का मीनिंग यही हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो क्या होंगे, यूरेनियम के बियॉन्ड, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। तो इनका नॉर्मल क्लेचर क्या होता है, टुडे हमारे पास एलिमेंट्स हैं अप टू 112, बट दी CNC जो हमारे पास थी, ठीक है, कमीशन इन नॉर्मल क्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्होंने क्या किया, अप्रूव्ड किए नेम्स फॉर द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 104 to 109। जो इनका नॉर्मल क्लेचर है हम किसके बेस पे करते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द लैटिन वर्ड्स, ठीक है, जो लैटिन वर्ड्स होते हैं उसके बेस पे होता है। जैसे हमारे पास डिजिट होगी 0, तो उसके लिए रूट नेम होगा नहीं, एब्रीविएशन एन, ठीक है, तो ऐसे 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर है 101, ठीक है, उसके लिए 1 के लिए हमारे पास क्या है, 1 के लिए क्या है अन, ठीक है ना, तो 0 है उसके लिए हमारे पास क्या है नील, तो अगेन 1 है उसके लिए फिर हमारे पास अन है, तो हम एंड ऑफ द नेम पे क्या लगाएंगे, एंड ऑफ द नेम पे क्या लगाएंगे, IUM, ठीक है ना, IUM से एंडिंग करेंगे तो हम कंबाइन करके इसको लिख देंगे, ठीक है, ऐसे ही 102 103, ठीक है, 100 हमारे पास 4 से लेके 109 तक हम ऐसे ही इसकी नेमिंग देते हैं, ठीक है, इन वाले कंपाउंड की, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच जहाँ तक वीडियो देखने के लिए, ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो ठीक है लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ठीक है, टू सी मोर वीडियोस। और एक बात और स्टूडेंट्स, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं इस चैनल पे ही अपनी डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं या फिर नेक्स्ट जो एक डिफरेंट और सेपरेट चैनल बनाऊँ, ठीक है, ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है, या फिर इसमें ही ब्लॉगिंग डाल दिया करूँ, ठीक है, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना टू सब्सक्राइब माय चैनल टू सी मोर वीडियोस, एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।